दोस्तों केंद्र सरकार के चुनावी बॉन्ड को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है। इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आगे कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है, इसके लिए अन्य विकल्प भी हैं। उन्होंने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। दोस्तों अब ये चुनावी बॉन्ड क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इसकी व्यवस्था पहली बार वित्त मंत्री ने 2017-18 के केंद्रीय बजट में की थी। इसके बाद 29 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखा से भारत का कोई व्यक्ति या कंपनी 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ रुपए के गुणांक में बॉन्ड्स खरीदकर अपनी मनपसंद पार्टी को दान दे सकता था। इसमें यह शर्त थी कि इसे उन्हीं अकाउंट्स के जरिए खरीदा जा सकता था जिसमें KYC की जानकारी पूरी है। दोस्तों SBI से बॉन्ड खरीदने के 15 दिनों के अंदर इसका इस्तेमाल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए करना होता है। हालांकि केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने सबसे ज्यादा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। व्यक्ति या कंपनी के लिए बॉन्ड खरीदने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए 15 दिनों में बॉन्ड को नहीं भुनाने की स्थिति में राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाने का नियम था। दोस्तों क्या आपको इसके पहले तक चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी थी? नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।